हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बस यही कि मान लीजिए कि आपको फिजिकल क्वांटिटी दी जा रही है, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, इन सबको यदि हम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में लिख देते हैं उसी को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में समझते हैं मास, ठीक है। मास को जो हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, लेंथ जिसको हम कैपिटल एल से दिखाएंगे, टाइम जिसको हम टी से दिखाते हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं। बट फिलहाल आपके सिलेबस में क्लास 11 ये एमएलटी के बारे में ही स्टडी करेंगे, यानी हम एमएलटी से जितने भी फॉर्मूले को बन सकते हैं यानी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास बाई वॉल्यूम, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसका डायमेंशन जो होगा उस पर बात करते हैं। तो मास को हम फिलहाल मास लिख के रखते हैं, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। चलिए अब समझिए कि ये लेंथ है, हमको पता है किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ और ये हाइट हो गई। तो ये जो ब्रेथ है ये भी तो एक डिस्टेंस है, यानी इसको भी हम लेंथ लिख सकते हैं। हाइट है ये भी एक डिस्टेंस है, यानी सभी को हम लेंथ तो लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी जो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो सबको हमको किलोमीटर में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक डिस्टेंस के फॉर्म में यानी लेंथ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? मास बाई लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अब देखिए तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एल लिख सकते हैं, लेंथ को क्या लिख सकते हैं L, इसको भी L लिखा जा सकता है, इसे भी L लिखा जा सकता है। अब ये 3L है तो पावर क्या हो जाएगा, रेस्ट टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कैपिटल M और L रेस्ट टू द पावर 3। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अब क्या करेंगे जी, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कैपिटल M L रेस्ट टू द पावर 3। और इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए तो हमारे पास m अवेलेबल है, l है, बट t नहीं है, बट हम t को लिख सकते हैं t रेस्ट टू द पावर 0, और इन सभी को हम एक बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। यदि आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपके मास कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने देखा कि डेंसिटी को, जिसका हमको फार्मूला मालूम था मास बाई वॉल्यूम, हमने उसको ड्राइव करते हुए हमने डायमेंशन फार्मूले में लिख दिया mLT के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और सारे भी एग्जांपल लेके देखते हैं, अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्पीड इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ध्यान दीजिए डिस्टेंस क्या है हमारा, तो डिस्टेंस हमारा होता है एक लेंथ है, यानी इसको हम एल से लिख सकते हैं। टी क्या है हमारा, तो टी हमारा टाइम होता है, जिसको हम कैपिटल टी से दिखा सकते हैं। अब देखिए ये L जो है हम L लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास M नहीं है, मास नहीं है, तो हम M पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी की क्वांटिटी के ऊपर यदि पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो M रेस्ट पावर 0 L और T रेस्ट पावर माइनस वन कैसे हुआ, तो ये हमारा इनवर्स ऊपर आके हो जाएगा, यानी M पावर रेस्ट पावर 0 L T रेस्ट पावर माइनस वन, ये होता है स्पीड का डायमेंशन फार्मूला। तो हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि हमको डायमेंशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले याद होने चाहिए, हम वहाँ से ड्राइव करके उसके डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फोर्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वाइवा में पूछा जाता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास को हम लिखते हैं मास ही, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसे आते हैं, इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर देते हैं। मास को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई विद लेंथ को हम एल से लिखा सकते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होगा टी, टाइम क्या होगा टी होगा, जिसको हम टी स्क्वायर लिखेंगे, बट ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी रेस्ट टू पावर माइनस टू हो जाएगा, यानी टी माइनस टू ऐसे लिखा जा सकता है। हम मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, तो एम एल टी रेस्ट टू पावर माइनस टू, ये हमारा हो जाएगा फोर्स का एक डायमेंशनल फार्मूला, जिसे वाइवा में पूछा जाता है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं एम एल टी रेस्ट टू पावर माइनस टू। चलिए अब समझते हैं प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई
एरिया। तो फिलहाल हम फोर्स को फोर्स ही रखते हैं, फोर्स बाई एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ स्क्वायर, लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब ध्यान दीजिए कि फोर्स का हमने डायमेंशन फार्मूला क्या लिखा था, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखा था एम एल टी रेस्ट पावर माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, क्लियर। और यहाँ पर लेंथ क्या हो सकता है, तो लेंथ को हम एल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, यदि इसे हम ऊपर लाते हैं तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू एल माइनस टू, क्लियर, ये लिखा जा सकता है। अब आगे क्या लिख सकते हैं, तो ये एल रेस्ट पावर वन है और ये एल रेस्ट पावर माइनस टू, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो बहुत ही हमने शानदार और अच्छे तरीके से समझा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशन फार्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पर हैं तो प्लीज पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।